टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों पेरिस में अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं। वे पूरे परिवार के साथ वेकेशन मना रहे हैं। हाल ही में वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ डिज्नीलैंड पार्क गए, जहां वो बेटी समायरा को कंधे पर उठाकर मस्ती करते हुए नजर आए। अगले महीने रोहित को विंडीज दौरे पर भी जाना है। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉन की मौत पर डॉक्टरों ने बड़ा खुलासा किया है। कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि उनकी मृत्यु सामान्य नहीं थी। डॉक्टरों ने वॉन की मौत के लिए कोरोना की वैक्सीन को जिम्मेदार माना। उनका अनुमान है कि शेन वॉन धूम्रपान भी करते थे और इसकी वजह से वैक्सीन की डोज उनके लिए खतरनाक साबित हुई होंगी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने आखिर तक संघर्ष किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। 281 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही कंगारू टीम एक समय हार के मुहाने पर थी, लेकिन 90 विकेट के लिए मैच जिताऊ साझेदारी करके निथन लाइन और कमिंस ने इंग्लैंड को मात दे दी। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा का टेस्ट करियर लगभग खत्म हो गया है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने जानकारी दी है कि अब सेलेक्टर्स ईशान किशन, केएस भरत और उपेंद्र यादव को भविष्य के लिए विकसित करना चाहते हैं। चयनकर्ता साहा से आगे बढ़ चुके हैं और अब उनकी नजरें युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने पर हैं। एसीसी विमेंस एशिया कप में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने परचम लहराया। फाइनल मुकाबला बांग्लादेश ए और भारत ए के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश 96 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत जूनियर महिला एशिया कप का विजेता बन गया। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की टैली से 2-2 अंक गंवाने पड़े हैं। वहीं आईसीसी ने खिलाड़ियों पर मैच फीस का 40% जुर्माना भी लगाया है। पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की हार के बाद हरभजन सिंह ने पैट कमिंस की तारीफ की, लेकिन साथ ही में उन्होंने बेन स्टोक्स की गलतियां भी गिनवाई। हरभजन सिंह का कहना है कि बेन स्टोक्स ने 5वें दिन नई गेंद का इस्तेमाल देर से करने की बड़ी गलती की और इसी वजह से इंग्लैंड को हार का मुंह देखना पड़ा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर मुकाबले जिम्बाब्वे में खेले जा रहे हैं। 20 जून का मुकाबला जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे ने जीत दर्ज की। इस मुकाबले में एक खास चीज देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल एक फैन चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी के साथ मैच का लुत्फ उठा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर भले ही खराब दौर से गुजर रहे हों, लेकिन उन्होंने एशेज टेस्ट में सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ डाला। बतौर ओपनर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में वार्नर सहवाग से आगे निकल गए। सहवाग के नाम कुल 8,207 रन दर्ज हैं, जबकि वार्नर के नाम अब 8,208 रन हो गए हैं। आईसीसी के टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पिछले 6 महीने से नंबर 1 पर काबिज मानस लबुशेन को बड़ा नुकसान हुआ है। लबुशेन ताजा रैंकिंग में नंबर 3 पर खिसक गए। वहीं उनकी जगह पर जो रूट टॉप पर पहुंच गए हैं, टॉप 10 में ऋषभ पंत इकलौते भारतीय हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में आर अश्विन शीर्ष पर बरकरार हैं।